पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी। डीएसपीज के बाद सब इंस्पेक्टर्स को भी तरक्कियां दे दी गई। प्रमोशन बोर्ड इजलास में 170 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की मिल गई। मिशन क्लीन लाहौर, जिले इंतजामिया का शालम मार्केट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। कीमती सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। तजावजात और कब्जा माफिया से कितनी अराजी वागुजार करवाई, तफसीलात बताई जाएं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने सूबे की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी से तफसीलात मांग ली। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम से भी आगाह करने की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के अमल को मजीद तेज किया जाए। टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 5% रियायत दी जाए। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज की महकमाना इजलास से गुफ्तगू। शाम की अदालत ने पहला बच्चा हवालगी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 7 साल बच्ची को बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया। फैसला आने पर मां खुशी से निहाल, बेटी से प्यार। भल सफाई मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। पंजाब में सालाना भल सफाई मुहिम का आगाज 26 दिसंबर से होगा। मुहिम 30 जनवरी 2019 तक जारी रहेगी। मुहिम के पेश नजर पंजाब की नहरों को मरहलावार बंद किया जाएगा। महकमा अनहार ने शेड्यूल जारी कर दिया। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की तकमील का मामला, चाइनीज कंपनी के एग्जीक्यूटिव भी मैदान में आ गए। वांग यूनिलन की वजीर आला पंजाब से मुलाकात, मुलाकात में ऑरेंज ट्रेन पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। पे स्केल अपग्रेड करने का मुतालबा। रेलवे डिप्लोमा फेडरेशन एसोसिएशन का पावर हाउस के सामने एहतजाज। मुजाहरीन की रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। और डीएचए स्टेट एजेंट्स की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। अलखिदमत ग्रुप की जानिब से जी ब्लॉक में मीटिंग का अहतमाम। रियल स्टेट डीलर्स ने उम्मीदवार बराए सदर मियां तलत की हिमायत का ऐलान कर दिया।